नेता को ये मनाए, ये मनाते कैसे कि मतलब रूठना मनाना क्या है, मतलब? है ये तो ऐसे मनाने वाले हैं ना, ऐसे वाले। और कहे कि आप मनाए कैसे, मतलब बता रहा हूँ कैसे। कट्टा लीजिए, कट्टा नहीं सुनिए, मजाक मत कीजिए आप। लोकतंत्र लोकतंत्र साथ कट्टाबाजी बात मत, ये है इनकी मानसिकता, कट्टा सोचिए, कट्टा इनकी मानसिकता। मनाए कैसे बताइए ना, मैं बताते हैं। भाई विपक्ष कह रहा है जेपीसी करा दो, भाई जेपीसी करा दो, आपके मन में चोर नहीं है, आप बोलो कोई बात नहीं जेपीसी कर देते, बात खत्म हो गई। अब उसमें क्यों जेपीसी से, एक मिनट रुकिए ना, फिर जेपीसी में दिक्कत क्या, करा दीजिए। विपक्ष यही तो मांग रहा है, विपक्ष यही तो कह रहा था किसान बिल आपने जो बनाया है, किसान बिल ठीक नहीं है, वापस लो। आज 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, एक साल किसान धरने पे बैठा रहा, जिसकी जिस जो विधवा हो गई होगी, सोचो उस बीबी पे क्या गुजरती होगी जो किसान मर चुका है, उस बेटे पे क्या गुजरती होगी जिसका बाप चला गया। एक साल बाद आपने वही किसान बिल वापस लिया, वापस लिया आपने। माना विपक्ष की बात थी किसान बिल गलत था, जिम्मेदारी किसकी है, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये गलत है। देखो आप लोग नौजवान लोग, ये सिर्फ बहकाते हैं और लास्ट में ये देखते रहते हैं कहां ताली बजने का लास्ट में आएगा, तो राष्ट्र की बात ले रही है कि ताली बज गई हो गया, राष्ट्र का नाम ले लिया हमने, सब खत्म। ये राष्ट्र के नाम से आपको धोखा देते हैं, राष्ट्र के नाम पे धोखा दे रहे हैं, इनके बातों में मत आओ, ये कभी आपके मतलब की बात नहीं करेंगे। एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, कॉम्बो पैक। ये लोग आपके भविष्य पर असर, इस बात को याद रखिए। सोचना है क्या करना चाहते हैं, ये दोनों जो है ना, ये सीबीआई, ईडी और आईटी से मान्यता प्राप्त दल के लोग हैं। मतलब इन लोगों को मान्यता है वहाँ, एक जगह है, रजिस्टर्ड है सर। 1970 में नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, 1970 में नहीं, ईडी सीबीआई आईटी। अभी तो, और एक सेकंड, पहले तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस चल रहा था, अभी तो ये लोग मेहरबान है, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है। मेहरबानी तो हुआ था ना कि जब आदरणीय नेताजी ने कान में कहा था, हेमंत तो विश्वास मोदी जी के कान में कहा था कि बबुआ पर ध्यान रखिएगा। एक साथ नहीं, प्लीज सर, आपके बीच में कौन चीख रहा था मुझे बताइए, प्लीज। नहीं बोल रहा हूँ जनाजी, आप दोनों ही चीख रहे हैं सब ज्यादा। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मान्यता प्राप्त है भाई, मान्यता प्राप्त है, जिनसे पूछ लो, मैंने आप लोगों की बात की ना। अरे अरे आपको मिलेगा मौका, जब जनता नहीं मौका दे रही है तो यहाँ कहाँ से मौका मिलेगा, यही देंगे, यही देंगे। आपको थोड़ा अच्छा काम करना पड़ेगा भाई। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इनके नेताजी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कान में कुछ कहा था अखिलेश जी के लिए, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, वो एग्जैक्ट नहीं, नहीं मैं खड़ा नहीं था, मैं आप ही लोगों के जैसे कोई बुद्धिमान लोगों से सुना था कि अब इसको छोड़ दीजिएगा, ये मेरा बालक है। अच्छा, शायद इनसे पूछ लीजिए, यही ये इन्होंने ही मुझे बाहर में बतलाया। तो मैं तो अब भ्रष्टाचार के ऊपर में यदि चोट होता है तो आप लोग विपक्ष की एकता की बात करते क्यों नहीं, जब वो जयप्रकाश नारायण के समय में एक हुआ था विपक्ष, आज अपनी महत्वाकांक्षा को भुला के आप लोग क्यों नहीं एक हो जाते पूरे देश के लिए कि बीजेपी को हटाना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अरे रावण के भी 10 मुड़ी थे ना, तो रावण के 10 मुड़ी थे तो वो भी एक ही बात बोलता था, यहाँ 10 मुड़ी 10 दिशाओं में और 10 तरह की बात करने वाले ये लोग हैं। अंजना जी, एक लाइन बोलूंगा, अंजना जी एक लाइन से ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बीजेपी की तरह नहीं हूँ। सुधांशु जी अपना टाइम दे रहे हैं, जब भी बोलेंगे 1970 में क्या था, 1975 में क्या था, देखना आप सुन लीजिए, 1970-75 सुनिए, 2023 का मत है। ठीक है, अब जवाब ले लें, अब जवाब देता हूँ। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में जितना ये हाथ यूं यूं करके बोले, महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उठाया, नहीं जब योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, देखिए परेशान। इनका नेता केवल तब उछल के सामने आए जब योगी जी ने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहते हैं ये भाषा कैसे बोल रहे हैं। अन्यथा बताइए, कोई बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा में मार्च 2023 में कौन सा प्रपोजल लाए, बोलिए, कुछ नहीं लाए, यहाँ आके भाषण देना, ये होती है। और एक और बात, इन्होंने कहा 100 किसानों की मृत्यु हुई, ये कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई, अच्छा बताओ हुई कितने की, आप बताइए। चलिए आप सरकार में, आप सरकार में, आप डाटा दीजिए, बोलिए, आप डाटा दीजिए सरकार में, 100 कैसे, हाँ मैं बता रहा हूँ, बोलिए ना, अब बोलते हैं की मौतें हुई, बोलिए, अरे बोलने दो मेरे भाई बोलने दो दीजिए, सुनिए, आए थे पंजाब से, डेथ हुई दिल्ली में, ना दिल्ली में हमारी सरकार ना पंजाब में, बोलिए आपको 100 कहां पता चला, आपको किसान हमारे हिंदुस्तानी थे, अच्छा ये सही कह रहे हैं पंजाब के, अरे बोलिए ना, 100 का आंकड़ा आया कहां से, सरकारों ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, आपने कहां से दिया, आपकी सरकार ने आंकड़ा नहीं दिया, ये यूपी का, ये बिहार का, ये दिल्ली का, ये डिवाइडर रूल मत कीजिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।